इतने सालों का, 12 साल हो गए मेरे, 12 साल से ज़्यादा, मतलब पापा आएंगे तो जो मिठाई ले आएंगे, आज तक वो मेरी मेरी पसंद की कि नहीं, मेरी बड़की ये वाली मिठाई खाती है। तो अब ये नहीं मिलता, कुछ न कुछ कमी रह जाती है, तब न वो इंसान है, कमी न रहे तो भगवान है। टूअर दी युवन गलत करना मार। हेलो, कैसे हो आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। लेके अपने चेहरे पे स्माइल कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, याद से बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप सबको फटाक से मिल जाए। तो आज है मेरे पापा, मतलब मैंने आप सबको बताया हुआ था कि मेरे पापा आए हुए हैं, और हाँ ये आई थिंक वो वीडियो मेरी लाइव हो चुकी है, तो या हो चुकी होगी जब तक ये वीडियो जाए, तो मेरे पापा आए हुए हैं। तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किए थे, दिया अपने पापा से बात ही नहीं कराया। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब हमने अपने गांव गए हुए थे तब तो आपने देखा ही कि हम लोग कितने बिजी थे, मतलब 5-6 दिन में, 7 दिन आई थिंक, 6 या 7 दिन रुके थे, सारा चीज़ तैयारी करना, करके प्रोग्राम में फिर आना। तो उस टाइम दौरान मैंने पापा से बात ही नहीं करी। कुछ लोगों के ये सवाल आए कि आपके पापा ने शादी क्यों की, तो शादी को लेके बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। तो ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं पापा से बात करवाने की और पूछने की कि मैं उन्होंने क्या हमारे लिए क्या फ्यूचर क्या प्लान किया हुआ है क्या कुछ, बहुत सारी बातें करने की कोशिश करते हैं अपने पापा से। तो चलिए चलते उन्हीं के पास, लेकिन उससे पहले मेरे को बनानी है उनके उनके लिए प्याज की पकौड़ियाँ, क्योंकि प्याज या फिर आलू या फिर किसी भी चीज़ की थोड़ा सा ना चटक चटक सा, उनके थोड़े से दांतों में प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया था, तो वो ना ऐसे नरम नरम तोड़ के खा लेते हैं। तो पहले मैं वो बना लूँ और फिर मैं पापा से बात कराऊँगी। और आज मेरा दोपहर का प्लान है कि मैं अपने पापा को सांभर खिलाऊँ। हाँ, मतलब कि दक्षिण भारत और ये उत्तर प्रदेश दोनों का डिश जब मिक्स होता है तो कैसा बनता है, तो वो शेयर भी करूँगी। और मेरे को ना इस तरीके से ना पता नहीं क्यों पूरे स्किन पे दाने निकल रहे हैं, किसी चीज़ का पता नहीं क्यों, काफ़ी ज़्यादा मेरी स्किन वैसी हो गई है। तो चलिए मैं पापा से पहले बात कराती हूँ, पहले मैं पकौड़ी बना लेती हूँ 2 मिनट, फिर बात कराती हूँ, सुनिएगा ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए। कोशिश करूँगी मैं, उनको बोलूँगी कि बोले, और फिर आप सबसे मैं मिलती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मैंने वो कद्दू जो है वो काट लिए हैं, और इनको मैं दाल के साथ चढ़ा दूँगी। मैं सोचा कि सबसे पहले मैं खाना वाला कार्यक्रम कर लेती हूँ, फिर मैं आराम से बैठ के बात करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने दाल जो है वो हमारी हो गई है, इस पे मैंने कढ़ी पत्ता, सरसों, खूब सारा लहसुन, लाल मिर्ची, इस तरीके से तड़का लगाया ना, मतलब इतनी टेस्टी सा सांभर बना था, इतना टेस्टी बना था कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद मैंने प्याज डाला है और मैंने डाले हैं टमाटर, यहाँ पे 3 मैंने टमाटर काट के डाले हैं, और साथ साथ में मैंने धनिया पाउडर, सांभर मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पे डाल दी हुई हैं। और अच्छे तरीके से हम इनको भूनेंगे। और उधर मेरी दाल जो रखी थी ना मैंने, वो एकदम अच्छे से हो चुकी है, तो उसको भी मैं यहाँ पर ले आके इसको मिक्स कर दूंगी। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से ना उबल के, मतलब 5 मिनट तक कम से कम इसको पकाएं, जिससे ना ये एकदम अच्छा से अच्छे से उबल जाएगा। फिर उसके बाद ये तो मैंने दोपहर की वीडियो भी एडिट करी, मैंने सुबह सुबह बनाई है पकौड़ी और चाय, तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई हुई है। और उस यहाँ पे मैंने वो दाल जो मैंने पहले बताया ना सांभर के लिए, वो मैंने चढ़ाया हुआ था, और यहाँ पे चाय भी बन रही थी, और साथ साथ में मैंने प्याज की पकौड़ियाँ भी बना दी थी पापा के लिए, क्योंकि उनको अच्छा भी लगता है। और वो कहते नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे समझ में आ जाती है कब चीज़ें क्या करनी है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने, यहाँ पे किचन भी मेरे को क्लीन करना था, तो मैंने देखिए यहाँ पे पूरा किचन क्लीन कर दिया, और पूरी स्लैब वगैरह पूरी सफाई करनी थी। आज का दिन बहुत बिजी रहा, बहुत बिजी रहा, और ये बन गई हमारी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। और मम्मी नाना क्या कर रहे हो आप दोनों लोग? पैसा का उद्देश्य सर्विस नहीं होता है, अपने की कोई सर्विस को इतना सुंदर से सजाई है, बैठना देख रहे हो घर में, लग रहा है कि आज
पापा मुझे समझाते हैं शुरू से दिमाग एकदम हमारा ऑफिसर जैसा सोच वाला है। कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलती, सब कुछ जहाँ में नहीं मिलता, कुछ न कुछ कमी रह जाती है, तब न वो इंसान है, कमी न रहे तो भगवान है। टू हर डी युवन, गलत करना मानव स्वभाव है, तो गलती तो इंसान से होती है, भगवान से होगी तो कौन कहेगा। नहीं नहीं नहीं, चाय पी रहे हैं हम लोग। और पढ़ाई का उद्देश्य केवल नौकरी और सर्विस नहीं होता है बेटा, सुंदर लाइफ जीने का, पैसा से कमाएंगे जैसे भी, लेकिन जिएंगे सुंदर से। समझ बिलू नाना का ज्ञान। और सबसे बड़ा धर्म क्या होता है, धर्म से ऊपर राष्ट्र धर्म। तुमने लिखा क्या है, जिस देश जाति ने जन्म लिए बलिदान उसी पर हो जाए, तो धर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म हो गया ना। राष्ट्र रहेगा तो खुद धर्म करोगे यहाँ, अरे राष्ट्र नहीं रहेगा धर्म का करोगे। बोले तो कला तो पड़ेगा धन, कोई कोई कहता है ना कि धर्म कीजिए धन आएगा, और कोई कहता है कि धर्म कीजिए तो धन है, कोई कहता है कि धन खर्च कीजिए तो धर्म होगा। अब मारवाड़ी में वही काम करते हैं, 50 लाख दे दीजिए जग कराइए, दे दिए पैसा, अब वो धर्म कर दिए मानी जग होगी। और कोई कहता है कि 50 लाख पहले खर्च कर दो, 5 करोड़ उधर से आएगा। खैर वो तो पापा चल जाइए अंतर की देर में, चलो रखो। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, और बस ऐसे ही पता नहीं क्यों थोड़ी सी ना ऐसे बैठे बैठे इमोशनल सी हो रही थी, तो मैंने देखा कि इस ब्लॉग को मैंने ख़त्म नहीं किया हुआ है, तो मैं इस ब्लॉग को ख़त्म कर दूं। और ज़िंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव चीज़ें आती रहती हैं, तो मैंने पापा से कुछ पूछा नहीं, बस उन्होंने ऐसे ही बोला, क्योंकि मतलब 12 साल हो गए मेरी शादी को, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं और सब देखते हैं, कोई मैंने ही नहीं देखा है जिसकी बहुत सारा कुछ। तो मैं बहुत, तो पापा और मेरे रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं लड़ती थी उनसे किसी भी कुछ भी मैटर को लेके, और बहुत स्ट्रगलिंग थी उस टाइम लाइफ। आज से ये बहुत साल पहले की मैं आप सबसे 8-9 साल पहले की 10 साल पहले की मैं बातें कर रही हूँ, जब अरे मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तब की बातें कर रही हूँ, तब लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल था। और पापा, एक उम्मीद सी रहती थी पापा आएंगे तो पैसे दे देंगे मेरे को, तो कभी वो 100 रुपये देते, को 500 देते, ऐसे करके करते, और उन सब चीज़ों से मैं उसको 5-5, 6-6 महीने चलाती थी, तब मतलब उनके दिए 100 रुपये भी मैं 2-3 महीने आराम से चला लेती थी। तो एक वो भी मैंने दौर देखा है, और जब मैं अपने पापा के लिए खुद से कुछ कर पाती हूँ ना 1 रुपये का भी, तो वो चीज़ें भी मतलब तब मुझे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि एक उम्मीद सी लगी रहती थी मेरे को। ज़्यादातर पता है मेरे खर्चे कब किस चीज़ों में हुआ करते थे, तब मेरे को ब्लाउज़ की, मतलब मुझे सिलाई नहीं आती थी, मुझे बहुत अच्छे अच्छे ब्लाउज़ पहनने का मन करता था डिज़ाइन के, तो मैं उस टाइम पे 40 रुपये से सिलाई लगती थी, तो मैं सोचती अभी आएंगे तो देखे जाएंगे तो ये बनवाऊंगी वो बनवाऊंगी। खूब सारा इयररिंग्स पहनने का उस टाइम पे शौक था, मतलब कि डिज़ाइन के, और इतने महंगे नहीं मिलते थे गांव में, आज भी जाएंगे तो 20-25, तब वैसे वाले इयररिंग के शौक नहीं थे इतने बड़े बड़े वाले, तो शौक हुआ करते थे, क्योंकि बुद्धि तो बच्चे वाली थी मेरी, तो मन करता था खूब सारे इयररिंग्स हो, और वो चीज़ें मैं नहीं कर पा रही थी खुद से, तो मैं उनसे धीरे से बोला करती थी जब वो आते थे, तो आपके पास चेंज है और सारा, मतलब वो दौर मैं याद भी नहीं करना चाहती, बट फिर वो देख के जाते, फिर मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें खरीदा करती थी, ऐसा लगता था कि जैसे
पहले उस टाइम पे उनके पास ही फ़ोन था, बट मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन था। और ऐसा नहीं था कि रोज़ रोज़ बातें होती हों, हफ्ते में एक बार बातें होती थी या फिर 15 दिन पे ऐसे होती थी, तो बता देंगे कि नहीं हम आने वाले हैं, तो एक्साइटमेंट होती थी उनसे मिलने की भी। अपनी बहुत सारी, मैं तब उनसे खूब लड़ती थी, मतलब छोटे बच्चों की तरह खूब मैं लड़ा करती थी, ये वो मतलब सब। लेकिन बुद्धि तो वही वाली थी, और धीरे 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 समझदार हो गई। अब जैसे कुछ पापा बोलते हैं ये चीज़ लेना है दिला दो, मैं बोला अरे नहीं नहीं रहने दो ना, रहने दो तू, हम खुद कर ले, हम ले ले खुद से, हम ले ले, हम खुद खरीद ले। या फिर अभी मैंने पापा को टी शर्ट दिया था पिछले, मतलब इस बार नहीं, उससे पिछली बार जब आए हुए थे तब, और एक वो भी दिया था मैंने उनको, शर्ट दी थी, तो पापा उसको किसी को नहीं देते, छूने भी नहीं देते, बोलते ना बड़की दिले ही है, मतलब मैंने खुद के पैसों से खरीदा था। और फर्स्ट टाइम जब मेरी पहली सैलरी आई हुई थी तब मैंने अपने पापा को फर्स्ट टाइम मैंने गिफ्ट किया था कपड़े जो मेरे खुद के कमाई के हुए थे। माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए पूरी लाइफ करते हैं, वो आज भी जाते हैं, मुझे ना मेरे लिए वो ये फ़ोन में उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया था, मतलब ये बात इस वाले फ़ोन के लिए उन्होंने मतलब इकट्ठे ही मुझे पैसा दिया था, मेरे सिस्टर लोगों को दिया था। और अभी वो जाते हैं मेरे लिए, कुछ भी करके जाते हैं ना, एक सीख भी ले आते हैं ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नहीं उन्होंने ही ला के दी है, तो ये उसकी बात अलग हो जाती है। तो बस ऐसे ही बातें कहाँ की थी और कहाँ हो गई, तो मैं सोचा आप सबसे थोड़ी सी बातें आज करनी तो बनती है। और हम मिलेंगे आप सबसे कल के एक अगले वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। और माँ हो या बाप हो, अगर मेरी माँ होती तो ये सारी चीज़ें मैं बोलती उनके लिए, उन्होंने मेरे लिए ये भिजवाया वो भिजवाया, बट आज तक का पूरा रिकॉर्ड है कि इतने सालों का, 12 साल हो गए मेरे, 12 साल से ज़्यादा, मतलब पापा आएंगे तो जो मिठाई ले आएंगे आज तक वो मेरी पसंद की, कि नहीं मेरी बड़की ये वाली मिठाई खाती है। तो मैं होती तो बहुत सारी चीज़ें करती कि ये दे दूँ वो दे दूँ, ये साड़ी ले जाओ वो कपड़े ले जाओ वो ले जाओ वो ले जाओ, ये करो वो करो, बट उनको जो समझ में आता है वो हमारे लिए लाइफ में करते हैं। बहुत सारी गलतियाँ लाइफ में सबसे हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हमारी किस्मत में होती हैं, कुछ चीज़ें हम समझ नहीं पाते और हमसे हो जाती है, जाने में अनजाने में हो जाती है। बट कोई नहीं, हम मिलते हैं आप सबसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, और जो भी मैंने बोला उस फीलिंग को आप सब समझने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं आप सबसे।